और ऐसे ग्रुप आया यहाँ पे, दिया गया सभी यहाँ पर एक्साइटेड है, वैसे एक्साइटेड है। तो आप स्पेस के फील्ड में आपको क्या देखता है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा? चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था, सक्सेस हो गया, तो लैंडिंग सेफ नहीं हुई। तो इंडिया के वो साइंटिस्ट है, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक मेरा तो फुल कॉन्फिडेंस है ऑन द इसरो इन आवर लाइक कंट्री साइंटिस्ट, सो आई फील कि हो जाएगा, चंद्रयान 3 हो जाएगा, यू नो, बीइंग पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चले तो उस चीज का, सो आई एम होपिंग हो जाए एंड आई फील कि हो भी जाएगा। करोड़ों में बनती है, इसरो का बजट बहुत ही कम बजट में 615 करोड़ में ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, और बड़ी बड़ी मार्वल्स की मूवीज बनती है जो करोड़ों में जाती है, 3 गुना 4 गुना ज्यादा उसका बजट रहता है। तो इस बहुत कम बजट में चांद पे चले गए। एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, मास मूवी थी, ग्रेविटी वगैरह हो गई, जो इसरो का बजट था उससे ज्यादा बजट था। हम इंडिया जो कर रहा है, यस यस, इंस्पिरेशन लोगों के लिए, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो गलतियां की उनसे सीखे, इतना जल्दी उन लोगों ने चंद्रयान 3 का पूरा मॉडल बना दिया है, जो भी मशीन्स वगैरह यूज की है इतने कम पैसों में, तो इट्स ऑल्सो इंस्पिरेशन फॉर इंडिया कि भाई इतने कम पैसों में आप इतना सक्सेस लेके चल रहे हो। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो सारे देशवासी, सारे लोग देख रहे थे, कंट्रीज के लोग देख रहे थे, और भी दुनिया के लोग देख रहे थे कि इस लॉन्च होगा या सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन सेफ लैंडिंग नहीं हुई थी। उस समय आप एक्टिव थे जिस समय ये लॉन्च होने वाला था, जब सेफ लैंडिंग होने वाली थी, जब आप लाइव देख रहे थे, क्या कर रहे थे आप? एक्साइटेड थे? कैसे आपको पता चला कि ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ उस टाइम? उस टाइम में एक्टिव तो नहीं थी, बट सिर्फ न्यूज ऑब्वियसली, अगर आगे आने वाले फ्यूचर के लिए अगर इंडिया इतना सोच रहा है, दे आर एंगेजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, प्लस इतनी सारी चीजें इतने कम अमाउंट में बना रही है, तो हमें खुशी ही होगी इस बात की कि हाँ, इंडिया भी बाकी सारे देश से एकदम अच्छा कॉम्पिटिशन में है, कि हाँ भाई वो चाहता है कि मैं टॉप में हूँ, और वो हर तरीके से अपने आप को पुश कर रहा है कि मैं टॉप में आऊँ जाके। आई गेस ये 3rd या 5th कंट्री है जो कि चांद पे जा रही है, एंड हाँ सॉरी 4th कंट्री। पीएम है देश के, और जो सिटीजन है उनकी पॉजिटिविटी से हमें नजर आ रहा है कि इस बार का जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहेगा और होना भी चाहिए। साइंटिस्ट को जितना इंकरेज किया, जितना मोटिवेट किया, वो किसी और पीएम ने नहीं किया। यस, ये भी एक हमारे पीएम की जो है खास बातें हैं, और हमारे जो देशवासियों को उत्साहित करती है ये जो मिशन पॉसिबल करने में। एक साइंटिस्ट रो रहे थे और पीएम मोदी उसको गले लगा रहे थे, देखा, दिख रही थी कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कितने कम टाइम में उन्होंने चंद्रयान 3 का पूरा वापस मॉडल बना दिया, एंड अब तो वो है कि जब भी वो रीच होगा तो पता चलेंगे क्या चांसेस है, सेफ लैंडिंग हुई नहीं हुई। तो वी पीपल आर होपिंग बेस्ट कि वो सक्सेसफुल हो। उनसे मिलने आए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे और दोबारा लॉन्च करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। वो साइंटिस्ट इमोशनल हो गए थे और गले से लगा कर मोदी ने बोला कोई बात। ये आपको पल कैसा? This is a quality which not everybody acquires, क्योंकि empathy होना ये सबकी बस की बात नहीं आजकल की generation में, and having that kind of a PM, that is like achievement for our country only, कि अपना इतना अच्छा PM है, that वो समझता है लोगों को, और be it scientist or be it everyone, वो empathy feel कर रहा है, sympathy feel कर रहा है, he can understand क्या वो लोग किस चीज़ से go through कर रहे हैं, even though he tried this best, वो लोग इस चीज में लैंडिंग में सक्सेस नहीं हो पाए, यू नो, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एट इट्स ओन, लास्ट में जाके यू नो थिंग्स वेंट थोड़ा साउथ वेज, बट अगेन यू नो इट्स अगेन पीएम के ऊपर है, साइंटिस्ट की क्वालिटीज के ऊपर है, दैट यू नो दे फेल्ट समथिंग, तो इसलिए पीएम वाज देयर फॉर देम। आल्सो वन थिंग आई वांट टू मेंशन दैट अपनी कंट्री में कुछ भी चीज़ प्रेशराइज करके नहीं की जाती है, उन लोगों ने इतना जल्दी बनाया जस्ट बिकॉज दे वांटेड कि भाई ये सक्सेसफुल हो, और हम भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एज अ वेरी सक्सेसफुल इन एंड वेरी अपग्रेडेड इन टेक्नोलॉजी, कि हम भी किसी से कम नहीं है। इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है कि कहीं स्पेस में, कहीं अलग ग्रह में एलियन जैसे रहते हो? अभी जो अवतार मूवी आई थी, आपने देखी है अवतार मूवी? किस बारे में थी वो? इसी बारे में थी कि इसके बाद भी कोई दूसरी दुनिया है और वो एग्जिस्ट करती है। और कितना बिलीव करते हो इस बारे? हम बिलीव लाइक 50-60% बिलीव करते हैं कि पहले की बात है, दैट नासा जस्ट फाउंड अ यूएफओ जो वहाँ पे क्रैश हुआ था यूएस के अंदर, एंड दे फाउंड एक यूएफओ ही क्रैश हुआ है, और उसके अंदर जो बॉडी मिली है इट्स नॉट अ ह्यूमन बॉडी, इट्स अ नॉन ह्यूमन बॉडी दैट दे फाउंड, और अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, पीपल आर डिबेटिंग कि यार ये कैसे यू नो मुमकिन है। आई मीन अपन लोगों को एक अपने सामने एक प्रूफ है, ये सब चीज़ों के बारे में अपन सिर्फ सोचते थे और शायद मूवीज में ही देखा है, यू नो यूएफओ क्रैश होना, एलियंस का मिलना, बट नाउ एवरीथिंग इज
गेटिंग रियल, सब चीजें अपनी आंखों के सामने धीमे धीमे आ रही है, और फिर भी अपन लोग एक बस डिल्यूजन दुनिया में जीना चाह रहे हैं कि नहीं ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। आई थिंक अब सब चीजों को प्रिपेयर रहना चाहिए कि नहीं दिस एग्जिस्ट एंड वी शुड एक्सेप्ट इट समवेयर। आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हम कहीं दूसरे ग्रह में ट्रेवल कर पाएंगे, जैसे हम नॉर्मली किसी सिटीज में ट्रेवल करते हैं, तो आप फ्यूचर कैसा देखते हो? अगर 20 साल पहले अगर किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमारे पास स्मार्टफोन भी होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना स्मार्ट आ जाएगा कि आप चला पाएंगे, और इसमें AI का जमाना आ गया आजकल। आइंस्टाइन ने कहा है कि जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं वो पॉसिबल है, तो जो भी मूवीज बन रही है वो एक इमेजिनेशन से ही बन रही है, और इमेजिनेशन कभी ना कभी तो ट्रू हो सकती है आने में। इमेजिनेशन में डिपेंड करता है, AI भी इज अ बेसिस ऑफ इमेजिनेशन ओनली, कि यार AI का भी यू नो देयर इज अ यू नो डिसएडवांटेज एज वेल, ज्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है। AI आ गया, जैसे कि कोई फोटो होती है किसी लड़की भी होती है, किसी लड़के की होती है, तो इस प्रकार से उसको म्यूट करके या तो कपड़ों के बिना दिखाया जा रहा है, तो ऐसे AI बन गए। एग्जैक्टली, वही कह रही हूं, डिसएडवांटेज भी है AI का, एक लोगों की इमेजिनेशन है जो कि पूरी हो रही है, तो सब कुछ जो भी बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, मजा अच्छा इमेजिन करेंगे तो अच्छा आउटकम आएंगे, बुरा इमेजिन करेंगे तो जितना बुरा सोचेंगे उतना ही बुरा आउटकम आ सकता है। एलन मस्क के बारे में जानते हो आप, है ना? आप जाना पसंद करोगे अगर आपको ऐसा मौका मिला? Yeah, I would definitely would love to. अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है, if I have that much kind of a money कि भाई हाँ उसमें से मेरा अगर मैंने इसमें दे दिया तो मेरा कुछ जाएगा नहीं, पर ये भी देखना अपना रिस्क है अपना अपनी लाइफ का। बट आई गेस जहाँ क्यूरोसिटी है वहीं पर ही आई थिंक पॉसिबल सब है, यू नो इट डजंट मैटर कि यार हाँ जान चली जाएगी, बट इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ क्यूरोसिटी लेवल कि यार यू कैन रिस्क योर लाइफ फॉर दैट, देन गो अहेड।